नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीता की रसोई में। तो आई होप कि आप लोग अपने अपने घर में बहुत खुश होंगे। तो आज की रेसिपी होने वाली है स्टार्ट, जिसमें हम बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी, जो बहुत ही यम्मी बनती है, बहुत जल्दी बनती है, झटपट बनती है, मज़ेदार बनती है। आप रोटी चावल पराठा किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा ये गर्मा गर्म सूखे फुलके और चावल के साथ बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आइए देखिए कैसे बनाते हैं। तो आलू और मटर को हमने पानी में भिगो के रख दिए हैं। थोड़े मोटे मोटे आलू काटे हैं। इधर प्याज और टमाटर को थोड़ा सा लहसुन डाला है, साथ में एक साथ हमने लगभग थोड़ा दरदरा पीस के डाल दिया है। तेल में डाला है और साथ में पहले हम अपने डाल देंगे मसाले, हल्दी आधी चम्मच, एक चम्मच जितनी लाल मिर्ची, आधी चम्मच जितनी धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार नमक मिला देते हैं अच्छे से। एक डाल देंगे हरी मिर्च तोड़ के, इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से भूनने देंगे। तो आप देखिए लगभग 5 मिनट के अंदर ही हमारा मसाला भून के तैयार हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे अपने आलू और मटर जो हमने पानी में भिगो के रखे हैं। आलू और मटर डाल दिए, मिला लेते हैं अच्छे से। देखिए अच्छे से मिला लिए हैं, 2 मिनट इसको साथ में ही भूनेंगे हम। इतना ही सुंदर कलर आ रहा है आप देखिए। और अभी हम भूनने के बाद इसको बाद में रस्से वाला बनाएंगे। तो अब देखिए 2 मिनट हमने अच्छे से भून लिया है इसको। अब हम डालेंगे इसमें पानी, पहले कम डालेंगे, बाद में बनने के बाद हम इसमें 2 विसल देने के बाद हम इसमें और पानी डालेंगे ताकि ज़्यादा पानी गिरे नहीं, क्योंकि हम इसको चावल के साथ खाने वाले हैं इसलिए रसा ज़्यादा रखेंगे थोड़ा। और रोटी के साथ, गरम गरम रोटी के साथ भी थोड़ा रसा ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। तो अब देखिए कितना सुंदर कलर आ रहा है। तो कर देते हैं गैस बंद और 2 विसल देंगे। अगर आपके ताज़े मटर हैं तो आप 3 विसिल दीजिए, और अगर फ्रोज़न मटर हैं तो आप 2 विसिल दीजिए। तो देखते हैं फिर आगे। देखिए दोस्तों 2 विसिल बाद हमने गैस बंद कर दिया था और स्टीम हमने पूरी निकलने के बाद खोला है। तो हमारी सब्ज़ी बन के तैयार है। आलू भी देखिए बहुत अच्छे से गल चुके हैं, मसाले का कलर बहुत सुंदर आया है। अब हम पहले डालेंगे इसमें अपना, अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी। करेंगे गैस ऑन, और इसको एक उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए सब्जी हमारी उबलने लगी है, सिर्फ एक ही उबाला देना है क्योंकि थोड़ा सा पानी डाला है। साथ में डाल देंगे ऊपर से थोड़ी कसूरी मेथी, जिससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। तो देखिए कितनी ही बढ़िया सब्जी हमारी बनके तैयार है। कोई बहुत ज़्यादा देर तक हमने मसाला नहीं भुना है, सिर्फ प्याज टमाटर लहसुन को अच्छे से साथ में मिला के पीस लिया है, और सब मसाले साथ में मिला के साथ में डाल के सिर्फ 5 से 7 मिनट हम एक साथ भूनेंगे, जिससे सब्जी और सब्जी मसाला अच्छे से भून जाएगा और साथ में हमारे सूखे मसाले भी भून जाएंगे। तो अब देखिए कोई मसाला हमारा कच्चा नहीं है, कोई रसे का कलर सफ़ेद सफ़ेद नहीं आया है। देखिए कितना अच्छा सा भुना हुआ मसाले का कलर आया है हमारा।
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मसाले को देर तक भुना जाए तभी सब्जियों का कलर अच्छा आएगा या तभी टेस्ट अच्छा होगा। तो देखिए सब्ज़ी हमारी उबल रही है, गैस कर देंगे बंद और हमारी सब्ज़ी बनके झटपट से रेडी है। तो आप भी बनाइए इस तरीके से और खाइए। आलू मटर की सब्ज़ी, रोटी, पराठा, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। आज हम इसके साथ चावल और रोटी दोनों बनाएंगे क्योंकि दोनों ही बहुत बढ़िया लगते हैं। इसके साथ गरम गरम सूखा फुलका बहुत ही बढ़िया, बहुत मज़ेदार लगता है। आप खाते जाएंगे गरम गरम सूखा फुलका और आपका पेट भी नहीं भरेगा, और अगर पेट भर जाए तो आपका मन नहीं भरेगा, इतना मज़ेदार लगता है खाने में। तो बनाते रहिए मेरे तरीके से, मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। चैनल में अगर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हर बार मेरे चैनल में आते रहिए। आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको मेरी झटपट वाली रेसिपीज कैसी लगती हैं। तो देखिए बनके तैयार है हमारी आलू मटर की सब्जी।